स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपनी जो सीमेंट का वाटर टैंक है उसका लीकेज कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो पीवीसी या फिर प्लास्टिक का जो वाटर टैंक होता है अगर उसमें लीकेज हो जाता है तो आप कैसे उसको रिपेयर कर सकते हैं। उसमें अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे पीडी लाइट की तरफ से एक इजी सील प्रोडक्ट आता है, उसे भी आप लगा सकते हैं। फिर पीडी लाइट की तरफ से एक और प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है फेयर क्विक वेल्ड, तो उसे भी आप लगा सकते हैं। इन दोनों की वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। बाकी और भी काफ़ी सारे उपाय होते हैं, जैसे कि आपका फ्लैशिंग टेप हो गया, फिर मल्टी सील टेप हो गया या फिर एम सील हो गई। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका सीमेंट का वाटर टैंक लीक हो गया है तो उसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो आपका मेनली जो सीमेंट वाले या फिर जो ईंटों वाले वाटर टैंक्स होते हैं उसमें मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी दरार पड़ने की वजह से आती है, यानी कि जो दरारें पड़ जाती है जिसकी वजह से आपका जो वाटर लीकेज का प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो चलिए फिर मैं आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आपका जो सीमेंट या फिर ईंटों वाला वाटर टैंक है वो काफ़ी अच्छे से उसकी वाटरप्रूफिंग हो जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये है कि आपको इसे ख़रीद लेना है, कि यह है पीडी लाइट का डॉक्टर फिक्स 301 URC। आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका जो वाटर टैंक है वो कितना बड़ा है। तो दूसरा जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो ये है, जो कि वाइट सीमेंट है। ये 1 kg की पैकेजिंग आप देख रहे हैं। तो इन दोनों को ख़रीदने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपका जो वाटर टैंक है वो अंदर से आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपको इन दोनों को मिक्स करके जो है एक पेस्ट तैयार करना है। अब आप जैसे ही इन दोनों का पेस्ट बना लेते हैं तो उसे आपको जो आपकी वाटर टैंक के अंदर क्रैक्स है उसे फिल करना है। तो याद रखें कि जो पहला आप पेस्ट बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम रखें, क्योंकि ये वाला जो पेस्ट है आपका सिर्फ क्रैक्स के अंदर ही लगेगा। तो इस पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो आप वॉल पुट्टी जैसी रखें, लेकिन इसे पर्याप्त मात्रा में बनाएं, ज़्यादा ना बना लें, क्योंकि इस पेस्ट को जो आपको है वो क्रैक्स के अंदर फिल करना है कि जहाँ से कि आपका वाटर टैंक लीक कर रहा है। तो ये देखिए, ये पुट्टी नाइफ है, इसकी मदद से ही आपको जो है इन दोनों का बना हुआ पेस्ट अपनी क्रैक्स के अंदर फिल करना है। और जैसे ही आप क्रैक्स को फिल कर लेते हैं उसके बाद में जो है आपको एक और सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, जो कि इन दोनों को मिक्स करके बनाना है। और इस बार जो आप बनाएंगे वो कंसिस्टेंसी में थोड़ा पतला होगा, क्योंकि ये वाला जो आप सॉल्यूशन बनाने वाले हैं इसको आपको पेंट ब्रश के थ्रू अप्लाई करना होगा, और जो आपको पहला कोट है वो वर्टिकली अप्लाई करना होगा, जिसके बाद आपको 12 घंटे तक वेट करना होगा ताकि आपका जो ये सॉल्यूशन है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और आपकी जो वाटर टैंक की वॉल्स है उस पर अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद जो दूसरा कोट है वो आपको 12 घंटों के बाद स्टार्ट कर देना है, जो कि आपको हॉरिजॉन्टली अप्लाई करना है। और जैसे ही आप इसका दूसरा कोट फिनिश कर देते हैं उसके बाद इसको वापस से ड्राई होने का टाइम दें, जिसके बाद एक और बार आप वापस से चेक कर लें कि आपकी जो वाटर टैंक है उसके अंदर कोई क्रैक्स या फिर कोई ऐसी जगह तो नहीं रह गई जहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन है वो अच्छे से लग नहीं पाए। तो उस जगह पे आप अच्छे से सॉल्यूशन को अप्लाई कर लें और बस इतना प्रोसेस कर लीजिए। उसके बाद जो आपका सीमेंट या फिर ईंटों वाला वाटर टैंक है वो काफ़ी अच्छे से उसकी वाटरप्रूफिंग हो जाएगी। ये वाला जो सॉल्यूशन है वो हमारे काफ़ी कस्टमर्स ने अप्लाई भी किया है और उनका काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक रहता है, जिस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके वाटर टैंक में लीकेज है तो आप इसे एक बार ज़रूर से ही अप्लाई करके ट्राई करें। तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।